एसआई ट्रैफिक इंचार्ज दिग्दर्शन करो उन्होंने बेनती है सिंधांचल लैन पवन कटारिया जी अजय सिंह गोपेरा गोपेरा है राकेश जी अच्छा नरेंद्र हप्पेवाल जिन्हें भीर का बटुआ गुम होया गली के सारे कागज तो जो सारा बटुआ सा पुज गया कि साढ़े तो नरेंद्र मेरे लिए प्राप्त कर लियो अजय गुजर से गनी मलेरकोटला आ जाओ जी हम भी कुश्ती होनी तो मैं दोनों माली दिन बड़िया कुश्तियां कमल दमछड़ी से विक्रम दिल्ली गौरव माछी वाला का विक्रम कोटिया हीरो मोटरसाइकिल की चाबी मेरे को आई है हीरो मोटरसाइकिल किसी की चाबी हो डिगी हो तो मेरे आप ले लेंगे कंग कंग साहब करण गुजर से चीमा दिल्ली जोड़ा है इन्हें बेनती है कि थोड़ा तीन चार मिनट का समय है उसके बाद आप पॉइंटा ने गुस्सी करानी है हार जित जरूरी लेनी है ये प्रबंधक कमेटी पहले कह चुकी है कि हार जित का फैसला पक्का लेना लो जी आ दो कुश्तियां खाड़े दे विच चल रही एक पासे सोनू कहते चीमा चोटी का पहलवान है ते वर्ण गुजर दे नाल कुश्ती चल रही है कहते जिला संगरूर सनाम दे लागे चीमा नगर है लोग गीतां दे विच कहते संगरूर की भी बड़ी सिफत की गई है कि जिंद माई जे चलो संगरूर उतो घगरा लिया जरूर जिन्हू पा के बन जा हूर फिर भावे लुट लई सारा जरूर कि साडा जिला संगरूर असी बड़े हैं मजूर अज देखते केड़ा डा मार के फैसला करता है बड़ी कुश्ती की दोनों मतलब विकार चल रही है इधर बिड़िया जम्मू ते मेजर लीरा की कुश्ती चल रही है नीले रंग के लंगोटे च मेजर लीरा लाल रंग के लंगोटे के बच्चे कहते जम्मू केसरी पहलवान बिड़िया जम्मू मल विकार कुश्ती हो रही है मगर गनी मलेरकोटला अजय गुजर बार ने भी पहलवान अगली कुश्ती ले तैयार पर तैयार हो जी दोनों पहलवान मल्ला नु बेनती फुल तैयारी रखो मेरे वीर आ देखो बिड़िया जम्मू उड़ती हुई मां मिट्टी की धूड़ है चार दी बरोस है अख नाग वाली चपटबाज वाली हाँ जी 18 तरीक का शराहा का छिंज मेला मशहूर है इन्होंने कंगल कमेटी बलदेव जी पुजी है असं धनवाद करते हैं अचलपुर का 18 नवंबर का छिंज मेला होगा वह भी कंगल कमेटी है ये धनवाद है समझा जी एक मिनट रह गया उस पॉइंटा देने कुश्ती बिच लिया जी बिच एक मिनट का बिच अगर ढह तो आई नहीं होंगी तो जेड़ा पहलवान पहला पॉइंट लेगा वह जेतू रहेगा अजय गुजर से गरीब मलेरकोटला भी आ जाओ जी तैयार होकर हाँ जी ये भी मल लग गया जो आ देखो इधर दुनिया जम्मू से मेजर लीरा की कुश्ती चल रही है उधरले पासे सोनू चीमा ते वर्ण गुजर का मुकाबला हो रहा है सारे पंजाब हिमाचल दंगल कमेटियां पुटियां सी सारे का धनवाद करते हैं 23-24 नवंबर को केंद्र मजारी का छिंज मेला होना है उतो भी सारी दंगल कमेटी साढ़े छिंज मेले चाहिए है उन्हों का भी धनवाद है 2-3 तरीक न दिसंबर को कहते डोलू वाले महाराज का पंडोरी का कबड्डी कप होना है ये भी सारे मेरे लिए नोट कर लो पंजाबियों की मां खेड कबड्डी की आ चोटी का मुकाबला जेड़ा 3 दिसंबर को धन धन डोलू वाले महाराज पंडोरी जिते बड़ा एक कबड्डी कप होगा सो भी सारे मेरे भी डेटा नोट कर लो तो अगलिया दोनों पहलवान तैयार पर तैयार हो जाएंगे कंग साहब अली मलेरकोटला जिहड़ा लंबा समा साडे सेंगल दे विच उन्हें कुश्ती लड़ी है और बड़े पुराने पहलवान ने दोनों वीर अपने प्यार करते सो असी अली मलेरकोटला नूं बेनती करदे हां कि आके अपना सम्मान अखाड़े च लैण अली मलेरकोटला लंबे समे तों भलवानी करी और बड़ी कहिंदे कड़ाके दर भलवानी करी है अली जी हुण मैं बेनती करदा लव कुमार गोल्डी जी नूं साबका एमएलए गढ़शंकर ते उह भी अपने दो शब्द रखण बहुत ही सत्कारियों इस पवित्र स्थान पे इतने हर साल इबादत करने का मौका मिलता और हर साल हमारे झाकू वाले के दर्शन करने का सुभाग प्राप्त होता पर अज सब तो वड्डी घाट जी असं इतने महसूस कर रहे हमारे झाकू वाले की पर फिर भी बाबा रूप जी की अगवाई के बिच बहुत ही वधिया आगे नालों भी ज़्यादा शानदार जिहड़ा जंगल इतने करवाया जा रहा मैं इस गल वास्ते तुहानू सारियां इतने मुबारकबाद दिना और हुणे गल कही सी कि सब तो वड्डी गल जिहड़ी है साडे दो प्रदेशों को आपस में जोड़ती है ये सड़क की हमने इन्होंने गल की थी एक महीने के अंदर अंदर ये सड़क नवी बना के अभी थोड़ा दोबारा अपने कड़ियाव वाली साइड तो देंगे
ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮਕਾਰ ਇਲਾਕੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੇ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਰੋਲੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਗੂੰਜਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਇਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕੇਸ਼ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਲਡੀ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੜਕ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਜੇ ਕੁਝ ਤੇ ਗਲੀ ਮਲੇਰ ਕੋਟਲਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ ਗੋਲਡੀ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲੀ ਕੱਢੀ ਹੈ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁਕੇਸ਼ ਅਗਨੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰੋਲੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਪਕਸ਼ ਦਾ ਨੇਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਐਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੁਨੀਆ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਲਓ ਜੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ। ਪ੍ਰਿੰਸ ਕੋਚ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸ ਕੋਚ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀਆਂ। ਅਜੇ ਗੁਜਰ ਦੇ ਗਲੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾ ਜੀ। ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਹਲੇ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ। ਹੈਪੀ ਹੈਪੀ ਖਾਲਸਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਟਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈ ਪਲੀਜ਼। ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ। ਹਲੇ ਦੋ ਮਾਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਬਾਕੀ ਪਈਆਂ, ਕਮਲ ਦੁਮਛੜੀ ਦਾ ਵਿਕਰਮ ਦਿੱਲੀ, ਗੌਰਵ ਮਾਸੀ ਵਾਲਾ ਵਿਕਰਮ ਕੋਟੀਆ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ